हे नमस्कार रियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल बाबा, चिल। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, और ये हम लोग का एपिसोड 3 है। अब सिंस एपिसोड 3 में है हम लोग, मतलब क्या हुआ, हम लोग एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 ऑब्वियसली पढ़ चुके होंगे। तो हम आपको बस एक हल्का सा रिकैपिचुलेशन कर दे रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी तक, टाइमलाइन, हम लोग कहाँ पर हैं अभी तक, ठीक है, और क्या कर चुके हैं। ठीक है, देखिए, एपिसोड 1 हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। सबसे पहला बात हम लोग को ये जानना पड़ेगा ना, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। अगर आप एक बार समझ जाओगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, तभी तो हम उसके बारे में पढ़ पाएंगे। सही है ना? तो जो फर्स्ट एपिसोड था वो हम लोग का था इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, ये हम लोग ने अच्छे से कर लिया। फिर नेक्स्ट में आया एपिसोड नंबर 2। टेक्निकल टर्म्स के नाम पर हमने बस 5 डेफिनेशंस दिए थे फर्स्ट एपिसोड में, पर 2 डेफिनेशंस और रह गए थे, जो था हम लोग का प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड एपिसोड में हम लोग समझा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, एंड हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया फोकल लेंथ का, और देखा कि फोकल लेंथ होता है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये एक्सप्रेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको फोकल लेंथ दे देगा और बोलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए कितना होगा, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा और बोलेगा फोकल लेंथ निकालो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हम लोगों ने सॉल्व किया है एपिसोड 2 में। ठीक है, रहा बात एपिसोड 3, आज क्या करेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ये हम लोग का हेडिंग है आज का, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर पढ़ने के लिए एक बात, पहले आपको याद है हम लोग ने प्लेन मिरर के लिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, कुछ याद आ रहा है, हल्का हल्का कुछ याद आ रहा है। ठीक है, और वहां पर व्हाट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, हम लोग देखे थे ना, क्या था? सबसे पहला बात, वो वर्चुअल था, दूसरा अपराइट था, तीसरा लैटरली इन्वर्टेड, सेम साइज, ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इमेज का भी सेम साइज है, एंड फाइनली डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स था फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो हम लोग को आज सेम चीज पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर है भैया, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होगा, कैसा फॉर्म होगा, नेचर क्या होगा, ये बता दो हमको आज। आज हम लोग यही सवाल का जवाब देंगे, ठीक है, एंड आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कन्वीनियंट रेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है मुझे लगता है भैया, आप तो डेली वीडियो लेंदी बनाते हो। ठीक है, चलो आप लोग इसको था तो इस टाइमलाइन को नोट कर सकते हो, या फिर हम लोग अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखिए, पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हम लोग के लिए कन्वीनियंट, VNIENT, कन्वीनियंट रेस फॉर द फॉर्मेशन of image by spherical mirror, मतलब हम लोग को पढ़ना है convenient rays for the formation of image by spherical mirrors। ठीक है, समझ में क्या बोल रहे हैं, मतलब कि हम आपको बस एक रफ आइडिया दे रहे हैं, प्लीज ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉब्लम क्या है मेरा, कि भैया अगर मान लीजिए ये एक स्फेरिकल मिरर है, टक 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 टक, ये उसका अपार्चर है ए बी, ये इसका पोल है पी, ये इसका कर्व सरफेस इधर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए भैया आपके पास ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, सही है,
अच्छा इसको छोड़ो, आप पॉइंट ऑब्जेक्ट ही बना लो। पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ले रहा हूं, इसका सेंटर कर्वेचर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। अब इस मुझे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज चाहिए, ठीक है, इमेज चाहिए। देखिए इमेज बनाने के लिए मुझे मिनिमम दो रेस चाहिए, ठीक है, दो रेस तो मुझे चाहिए। पर खुद ही सोचो ना आप, इस पॉइंट से तो हजारों लाखों रेज निकल सकता है। एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक ऐसे 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 जाएगा। अरे भैया हजारों रेज जा सकते हैं तो, ठीक है ना। पर अगर हम चाहे, अगर हम बस यही दो रेज को लेके काम करते हैं, मान लीजिए जो इस डायरेक्शन में है, हम बस वही दो रेस को ले रहे हैं जो मेरा इस डायरेक्शन में है, और ये मिरर को हिट करेगा, क्योंकि मुझे इमेज चाहिए तो रेज ऑफ लाइट तो मिरर को हिट करना पड़ेगा ना। ओके तो मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट गया ऐसे, और ये एक रे ऑफ लाइट गया ऐसे, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे बनाना पड़ेगा। मतलब मुझे पहले इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है O1, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है O2, तो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। और मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1 और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है I2, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे इस इंसिडेंट रे के लिए, ये अगर नॉर्मल है, याद है ना नॉर्मल क्या हुआ करता है, नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइन बना दीजिए, वही होता है नॉर्मल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाइन बना दीजिए, वही होता है नॉर्मल। एक बार इंसिडेंट रे आ गया है, नॉर्मल मुझे पता चल गया है, तो रिफ्लेक्टेड रे बनाना कौन सा बड़ा बात है। ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे इसके लिए ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल होगा, और कोई ऐसे जाएगा, सच दैट ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो होगा R1, सच दैट I1 विल बी इक्वल्स टू R1, ये जरूरी है, ठीक है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, सही है, सही है। एंड सिमिलरली ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, अगर ये एंगल I1 है तो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्वियसली ऑन द ऑपोजिट साइड बनेगा, सच दैट ऐसे कहीं जाके इसको मीट करेगा, और ये एंगल मेरा R2 होगा, सच दैट I1 विल बी इक्वल्स टू R2, ठीक है। और ये दो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट करेगा, ये होगा मेरा इमेज, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम। देखिए अगर स्फेरिकल मिरर्स के लिए मुझे ऐसा रेज ऑफ लाइट बनाना है, अगर इमेज बनाना है एक ऑब्जेक्ट का, तो मुझे दो रेज ऑफ लाइट तो इंसिडेंट कराना पड़ेगा स्फेरिकल मिरर पे, उन दोनों रेज ऑफ लाइट के लिए मुझे फिर नॉर्मल बनाना पड़ेगा, नॉर्मल, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे एंगल मेजर करना पड़ेगा। इश राम राम राम, कितना बड़ा काम है। इस एंगल को मेजर करके ये एंगल बनाना पड़ेगा, इस एंगल को मेजर करके ये एंगल बनाना पड़ेगा। पगला गए हो का, कैसे करोगे इतना काम, ठीक है। उसके बाद मुझे रिफ्लेक्टेड रे बनाना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेगा वो होगा मेरा इमेज पॉइंट। समझ में आया। पर आप ऐसे नोटिस करोगे ना, देखो इन प्रिंसिपल हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। पर नोटिस कीजिए, आपने एक इंसिडेंट रे बना दिया, नॉर्मल बना दिया, पर ये अब ये देखो, सोचो ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का आपको एंगल मेजर करना पड़ेगा एक्यूरेटली, और उसके बाद वो एंगल यहां बनाना पड़ेगा, फिर रिफ्लेक्टेड रे बना पाओगे आप। कितना मुश्किल काम है, समझ में आ रहा, कितना मुश्किल काम है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन प्रिंसिपल क्या है, यहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल रहा है, सही है ना, हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेगा। तो हम कोई भी रेज नहीं चूज करेंगे, हम यहां पे थोड़ा चालाकी करेंगे, और वो चालाकी क्या रहेगा मेरा, वो ये रहेगा कि हम कुछ
गिना चुना रेस ही चूज करेंगे जिसके लिए मेरा ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। आपको समझ में आ रहा हम क्या बोल रहा हूं? अगर आप कोई भी रेस लेके इमेज बनाओगे तो इमेज बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, पर डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाएगा, फिगर बहुत गंदा दिखेगा, ऐसा नहीं चाहते हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ऐसा रेस ही चूज करेंगे। देखिए भैया, हम लोग को इमेज बनाने के लिए बस दो रेस चाहिए, ठीक है, अब वो दो ही रेस तो चाहिए मेरे को, कौन सा बड़ा बात है, यहां तो हजारों रेस निकलेगा। हम ऐसा रेस चूज करते हैं ना जिससे मजा आ जाए काम करने में, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस लीड्स टू टॉपिक, ये कन्वीनियंट रेस। आपको समझ में आ रहा है कन्वीनियंट रेस का मतलब क्या हो रहा है? कन्वीनियंट रेस मतलब कि वो रेस जिससे इमेज बनाना आसान हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको हम समझा पाए हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम क्या है मेरे पास और उसका सल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर दो रेज लेके इमेज बनाए तो इमेज बनाना पॉसिबल है, पॉसिबल है, पर ध्यान सुनिएगा, पर देखो आप इंसिडेंट रे बनाए, नॉर्मल बना लिया, इजी है, पर फिर ये बाप रे बाप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां बनाओ, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, और फिर यहां पर, एंड ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा नहीं, तो फिर से माथा पिची करो यहां पर, और इतना माथा पिची करने के बाद अगर हम डायग्राम बना भी दें तो कितना गंदा लग रहा है, अच्छे कितना गंदा लग रहा है, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग कोई भी रेस नहीं चूज करके कुछ गिना चुना कन्वीनियंट रेस ही चूज करेंगे डायग्राम बनाने के लिए, और वो कन्वीनियंट रेस अब हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। पता नहीं क्या समझ में आपको, देखिए ऑब्वियस बात है, हम पहले भी बोल चुके आपको, हम बहुत बकबक करना पड़ेगा मुझे, पर अगर हम इतना बकबक करेंगे तब शायद आपको इतना तो समझ में आ जाए, वन टू वन, ठीक है, तो प्लीज ध्यान सुनिएगा, ये हो गया हम लोग का। तो हम लोग के पास चार कन्वीनियंट रेस है, हम लोग एक एक करके उसको जल्दी से अप्रोच कर लेते हैं इसमें, ठीक है। पहला है नंबर वन है, पहला है अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपके पास ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसका अपर्चर हो गया ए बी, ये इसका पोल हो गया पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं लाइन करेगा सी, अगर इसको ज्वाइन करते हैं हम, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये चीज हम लोग पता है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन कराए थे, याद आ रहा है, क्वेश्चन याद आ रहा ना, देखिए मतलब कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऐसे हुआ है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, दो बार बना सकूं तो, कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, मतलब कि ऐसे इंसिडेंट हुआ है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर, इसका मतलब क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका नॉर्मल यहीं पे लाई करेगा, अगर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ, तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे आया है तो ये तो अलोंग द नॉर्मल है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी वापस चला जाएगा, समझ में आया, द रिफ्लेक्ट व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉट अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द ओरिजिनल पाथ, नहीं सुना, क्वेश्चन किए थे लोग पहला दिन, याद आ रहा है कुछ, भगवान करे याद आ रहा है, मुझे मुश्किल हो जाएगा फिर, ये था कॉनकेव के लिए, अब कॉन्वेक्स भी करते हैं हम, ये हो गया अपर्चर ए बी, इसका कर्व्ड जो इनर सरफेस उसको पॉलिश करना पड़ता है हम लोग को, इसको हम पोल पकड़ ले रहे हैं,
इसका सेंटर ऑफ कर्व इधर लाई करेगा, ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है ताकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। अगर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो अलोंग द सेंटर से पास कर रहा है तो ये वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। समझ में आया? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करेगा, विल रिट्रेस द ओरिजिनल पाथ बैकवर्ड। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? एपिसोड वन में क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ठीक है, एपिसोड वन में हम लोग समझ चुके हैं इसको अच्छे से, हम बस इसको स्टेट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं, ठीक है समझ में आपको इसको मिटा इसको हम, बहुत बढ़िया ठीक है। पहला रे ये मिल गया कि अगर एक हो सकता है कि हम रे ऑफ लाइट ऐसा चूज करें कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, बहुत बढ़िया। अब नंबर टू पे मूव करते हैं, नंबर टू भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिएगा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। अरे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्यों, इसका फायदा क्या है? आपको याद आ रहा है हम लोग प्रिंसिपल फोकस पढ़े थे कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है तो कॉनकेव मिरर के लिए वो फोकस से पास करेगा, एंड अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो फोकस से डाइवर्ज करेगा। कुछ याद आ रहा है? देखो ये अगर कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका अपर्चर है, बल्ले बल्ले, ये इसका पोल है, ये कर्व, इसका कर्व सरफेस सेंटर में इधर लाई करेगा, इसको बना दो ऐसे, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल से पास किया है, वो इसका फोकस कितना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होगा, यहां पर कहीं जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा ना, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, मतलब ये पॉइंट बीच में होगा। और अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। पर अगर वही मेरे पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, मतलब पॉलिश्ड अंदर किया गया है, ये उसका अपर्चर है, ये इसका पोल है, सेंटर कर्वेचर पे लाई करेगा, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और फोकस फोकल पॉइंट क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में हो गया एफ। तो अब अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा, एज इफ रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा, रिफ्लेक्टेड रे वो होगा जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एज इफ ये ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई है कॉनवेक्स, अगर कॉनकेव मिरर है तो वो फोकस से पास करेगा, अगर कॉन्वेक्स है तो वो एज इफ ऐसे पास करेगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा होगा कि एज इफ वो फोकस से डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, मतलब कि विल इधर कन्वर्ज किसके लिए, कॉनकेव के लिए, और डाइवर्ज किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, फ्रॉम कन्वर्ज टू, एक सेकेंड थोड़ा इंग्लिश ठीक करते हैं, विल इधर कन्वर्ज टू और कन्वर्ज टू कॉनकेव के लिए और डाइवर्ज फ्रॉम कॉन्वेक्स के लिए द प्रिंसिपल फोकस, फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। समझ में आपको कि
अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो कॉनकेव के लिए फोकस से पास करेगा एंड कॉन्वेक्स के लिए फोकस से डाइवर्ज करेगा। ये चीज हम लोग एपिसोड 2 में सीखे थे, ठीक है, समझ में आपको इतना, इसको आप नोट कर लो इससे। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा एक बात खुद ही बताओ ना, प्लीज खुद ही बताओ कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो फोकस से पास कर रहा है, अगर पैरेलल है तो फोकस से डाइवर्ज कर रहा है, इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा, अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस की तरफ आ रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हम लोग का यही है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब इसको हटा देते हैं, थोड़ा मुझे मिटाना पड़ेगा, मिटा दीजिए शांति से ताकि हमको डायग्राम ज्यादा नहीं बनाना पड़े। आपको तो बनाना ही पड़ेगा भैया, आपको तो बनाना ही पड़ेगा, आपके पास तो कोई उपाय नहीं है मिटाने का। देखिए क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अ रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट आ रहा है एज इफ वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वही बोल रहे हैं हम लोग, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट सॉरी पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विल बिकम PAR पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? पहला वाला हम लोग एपिसोड 1 में पढ़े थे, क्या था कि अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो वापस वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा, बस समझ में आया। दूसरा कि अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल है इट विल इधर कन्वर्ज और पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, डिपेंडिंग मिरर किस तरफ का है, डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ही तो है, ठीक है। हम लोग नोटिस कर रहे भैया एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस से पास कर रहा है, इसका मतलब तो हम उल्टा बोल सकते हैं ना कि अगर एक रे ऑफ लाइट फोकस से पास करे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा। सही बात है, वही लिखे हैं लोग, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक सवाल बस, प्लीज ऐसे मत बोलना कि भैया रे ऑफ लाइट ऐसे आया, इधर भी तो जा सकता था, इधर जाएगा कभी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है तो बाउंस बैक करके इधर जाएगा ना, इधर तो नहीं जाएगा, प्लीज ऐसा क्वेश्चन मत करना, आप लोग कभी सोचना भी मत, पाप है घोर कर ले, मत करना प्लीज, ठीक है। एंड फाइनली एक और चीज, ठीक है, रे ऑफ लाइट, ये तीन हो गया, हम लोग मेनली यही तीन से काम बन जाएगा मेरा, ये तीन प्रॉपर्टीज से काम बन जाएगा, पर बुक में एक और देता है तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम उसको भी बता दे रहे हैं, ये जो तीन पड़े से काम हो जाएगा हम लोग, ठीक है। नंबर 4 क्या है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली OBLIQUEL, ज्यादा इंग्लिश हो जाएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंक्लाइंड इन CLI एंड इट इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोल रहे हैं हम, उसके लिए मुझे डायग्राम मिटाना पड़ेगा, मिटा दीजिए प्लीज। मिटा दो
इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, 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 ठीक है। ऑब्वियसली ये क्या है, वो लिखे थे हम, ये कॉनकेव मिरर है, क्यों? क्योंकि लाइट गुफा में जा रहा है, ये क्या है, रिफ्लेक्शन सरफेस बल्जिंग है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, सही है। और ये हो गया हम लोग का पहला किस्सा, इसको मिटा दिया, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, यार कोई बात, छोड़ो। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल इंक्लाइन टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा देखिए, मतलब कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ऐसा आया है कि वो पोल पर आके इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। अब अगर पोल पर आके इंसिडेंट हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब कि जो पोल है यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो मुझे इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट आकर पोल पर गिरा है ऑब्लिकली, मतलब कुछ एंगल से, एट द पोल इंक्लाइंड एट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाया हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए थीटा, मान लीजिए थीटा, ठीक है। अब सिंस मेरा पोल, जो पोल है वही मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक एक लाइन बनाना पड़ता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक लाइन बनाना पड़ता है, मतलब यहां पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही मेरा नॉर्मल का काम करेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही नॉर्मल का काम करेगा, मतलब कि ये जो थीटा है ये एक्चुअली में एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब यही एंगल को आप मेजर करो, थीटा इधर बना दो, ये एंगल भी थीटा है, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। एंड सिमिलरली सिंस यही नॉर्मल है, यही मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और यहां से इसी एंगल को मेजर करके थीटा बना दो आर, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मैं रिफ्लेक्टेड रे, बस हो गया। समझ में आया, समझ में आया, जिसका मतलब कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, समझ में आया, लिख नहीं रहे इसको हम, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल का काम करेगा, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज ड्रॉन ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इंक्लाइंड टू द सेम एंगल, क्लियर है। चलिए ये चारों चीज है कन्वीनियंट रेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, क्लियर है। आपको समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना, बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम आपको, कि पहला है आपका कि अगर एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वापस उसी पाथ से रिट्रेस कर लेगा, दूसरा अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, ठीक है, अगर फोकस से पास करे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, एंड थर्ड अगर डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट हुआ है तो वो इंसिडेंट रे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, पोल मेरा नॉर्मल काम करेगा, ये एंगल को मेजर करके हम ऑपोजिट साइड में फिर से वही एंगल बना देंगे और मेरा रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, क्लियर है। ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं। ओके तो चलिए फाइनली हम लोग अपना मंजिल में पहुंच गए, यहां पे हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए आप लोग मेरे साथ साथ ही आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए, तो आपको लगेगा कि हम लोग साथ में चल रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ओके तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए एकदम पहला केस करते हैं, ए क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट
इनफिनिटी, क्या बोल रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। ओके, देखिए हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। अब यहां पर ना हम लोग स्केल यूज करेंगे, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके तो चलिए बनाते हैं फिगर। ये हो गया मेरा एक अपार्ट, ये एक अपार्चर हो गया ए बी, ये हो गया इसका पॉलिश सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनर से हो गया, तो ये कॉनकेव मिरर बन गया, और इसको हम पोल बोल रहे हैं, ठीक है। एंड अब हम लोग स्केल यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे इन द सेंस कि आप मान लीजिए, आप अगर आप स्केल लिए हो ना, अगर आप ऐसे रख के काम कर रहे हो, तो हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को जितना भी डिस्टेंस पे रखोगे ना, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को मान लो 6 सेंटीमीटर पे रखते हो, तो प्रिंसिपल फोकस को कहां पे रखोगे, 3 सेंटीमीटर पे। क्यों? क्योंकि क्योंकि फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रूफ किए थे हम लोग, ठीक है। ओके चलो चलो एक सेकंड, हम एक सेकंड अभी आप देखते हैं इसको, क्लियर है ये स्केल। अब हम बनाते हैं लाइन अपना से, एक सेकंड लाइन बनाना पड़ेगा मेरे को। देखिए हम लोग को स्केल यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक से। क्यों? क्योंकि हम लोग जो बनाएंगे डायग्राम ना, वो ऑलमोस्ट एकदम सही नहीं बनेगा मेरा, ठीक है, क्योंकि हम जितना भी स्केल यूज कर लें, कुछ ना कुछ तो गलती रह जाएगा, ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे, गलती रहेगा जरूर, हम लोग ट्राई करेंगे मिनिमम से मिनिमम एरर हो। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका जो आधा डिस्टेंस है वो होगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ओके सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सही है, सही है। ओके अब नोटिस करो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, मतलब बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां से रेज ऑफ लाइट कैसा आएगा, ध्यान से बोलेगा, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो रेज ऑफ लाइट कैसे आएगा, सोचो। अच्छा आप कभी बारिश को देखे हो, अच्छा देखे तो ऑब्जर्व किए हो, अगर आप एक बारिश को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको जो रेन ड्रॉप्स दिखेंगे ना, रेन ड्रॉप्स जो गिरता है, आप देखोगे लगेगा सारा रेन ड्रॉप्स पैरेलल है, ठीक है। हम लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई चीज, कोई रेज ऑफ लाइट अगर बहुत दूर से आ रहा है, बहुत दूर से, इन्फिनिटी से, तो हम लोग बोलते हैं रेज ऑफ लाइट विल बी पैरेलल फ्रॉम एट इन्फिनिटी, मतलब कि रेज, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट, इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस बात को आपको हम समझना पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मतलब कि वहां से जो रेज ऑफ लाइट आएगा वो पैरेलल होगा, क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग पैरेलल रेज ऑफ लाइट बनाएंगे, मान लीजिए हम, आप पेंसिल्स, आप प्लीज पेंसिल और स्केल यूज कीजिएगा, ये रे ऑफ लाइट है पैरेलल, ठीक है। आपको पता है ना कि अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल होता है तो वो फोकस से पास करेगा, तो बिना कोई सोचे समझे हम लोग इसको फोकस से पास करा देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको फोकस से पास करा दिए। ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, क्लियर है। ये तो एक बना, मुझे एक और रे चाहिए, वो हम नीचे से ले रहे हैं, मान लीजिए वो ही है, ये भी पैरेलल ही आएगा इनफिनिटी से, अगर ये पैरेलल आ रहा है तो ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा, मतलब कि यहीं पर मेरा इमेज भी फॉर्म होगा आई, ठीक है, समझ में आया क्या हुआ, मतलब कि व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पहला चीज
इमेज कहां फॉर्म हो रहा है? इमेज फॉर्म हो रहा है एट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, या फिर डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस बोलो भैया, प्रिंसिपल फोकस एफ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए इमेज कैसा फॉर्म हुआ है, रियल है कि वर्चुअल है। यहां पे रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली में मीट किया है, रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअली में मीट किया है, मतलब रेस क्या है एक्चुअली मीट किया ना, मतलब कि इमेज इज रियल, ठीक है। एंड प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर इमेज रियल है ना, तो वो अगर रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड ही होगा, इन्वर्टेड होगा। यहां पे हम ये चीज नहीं बता पा रहे हैं आपको, ये इन्वर्टेड वाला हम नहीं समझा पा रहे आपको ना, क्योंकि जो इमेज है वो पॉइंट साइज है। अब कोई इमेज अगर पॉइंट साइज है तो क्या बता सकते हैं उसके बारे में, कुछ नहीं। पर आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा, अगर वर्चुअल है तो अपराइट होगा। जैसे हम लोग प्लेन मिरर में था, प्लेन मिरर में इमेज वर्चुअल था, वर्चुअल मतलब अपराइट। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो इमेज भी ऐसे ही खड़ा है, उसको अपराइट बोलते हैं। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज अपराइट, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए एंड फाइनली हम बोल सकते हैं पॉइंट का साइज क्या है, इज पॉइंट साइज, पॉइंट साइज मतलब कि हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। एट फोकस ये समझा दिया हम आपको, रियल समझा दिया। पॉइंट साइज को ना बहुत छोटा, एकदम पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड। अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट एक चीज यहां से आ रहा है, अगर सर से आ रहा है ये रे, इसका मान लीजिए ये इसका सर से आ रहा है, ये इसका हेड से आ रहा है, ये इसका टेल से आ रहा है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है फिर भी, पर इमेज पॉइंट साइज फॉर्म हुआ है। ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है पर साइज ऑफ इमेज इतना छोटा है, तो वो हो गया पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग का पहला केस है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके तो चलिए केस ए हो गया हम लोग का, अब हम लोग केस बी पे मूव करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया। ओके फिर से देखो आप कैसे करोगे, हम एक रफ बनाकर दिखाएंगे, आप अच्छे से करना प्लीज। सबसे पहले हम लोग एक कॉनकेव मिरर लेंगे, अपार्चर नाम देंगे, अपार्चर को हम कुछ और नाम दे रहे हैं, ठीक है, इस बार पी क्यू, और इसको जो बल्जिंग सरफेस उसको अगर हम पॉलिश कर दें तो मुझे कॉनकेव मिरर मिल जाएगा। इसका जियोमेट्रिक सेंटर को हम लोग पोल नाम देंगे, एंड फिर से हम पॉइंट करना चाहेंगे, सुन लीजिए ध्यान से, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, तो आप अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर आप 6 सेंटीमीटर दे रहे हो तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को नहीं, ऑब्वियसली सॉरी अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से 6 सेंटीमीटर का दूरी पे बना रहे हो तो आपका जो फोकल पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस, वो 3 सेंटीमीटर का दूरी पर होगा। इस बात को आप प्लीज ध्यान रखिएगा, यही रे डायग्राम बनाने के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात, कि अगर जितना डिस्टेंस आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को लो, प्रिंसिपल फोकस उसका आधा डिस्टेंस पे होगा। रे डायग्राम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब बस और बाकी सब तैयार हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और क्या चाहिए मुझे इसमें,
यही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, और क्या चाहिए जीने के लिए, बोलिए आप ही। ठीक है, ओके। अब ध्यान सुनो, द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले इंफिनिटी पे था, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर, अब क्या है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड इंफिनिटी बहुत दूर होगा, तो अब ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर है, थोड़ा सा दूर है बस, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऊपर वाला हेड ए है, ये हेड है इसका ए और ये टेल है बी, मुझे इसका इमेज बनाना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा ध्यान से काम करेंगे इस पर। अब ध्यान से नोटिस करो आप कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका इमेज बनाना है। इमेज बनाने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम जो हेड है, एच ई डी हेड ए है, वहां से आपको दो इंसिडेंट रेज निकालने पड़ेंगे और फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग उसका रिफ्लेक्टेड रेज बनाएंगे, जहां पे वो मीट करेगा वो होगा हेड का इमेज। सही है, सही है, ठीक है, चलिए बनाते हैं। हमें बस तीन ऑप्शन है, एक सेंटर से पास करा दो, या फिर एक पैरेलल, या फिर एक फोकस से। हम सबसे पहला ऑप्शन लेंगे पैरेलल वाला। आप स्केल यूज करके एक लाइन बनाइए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, एंड प्लीज एरो देना मत भूलिएगा आप लोग, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब हम लोग कन्वीनियंट रेस पढ़े क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, सही है, सही है, ओके। एक और ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि हम दो ऑप्शन है मेरा, इधर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें, या फिर फोकस से पास कराएं, आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा, आपका मर्जी है, आपको जो लेना है ले लीजिए। हम फोकस से पास कराएंगे, क्योंकि अगर हम फोकस से इसको पास कराएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ऐसे, मतलब ये एक इंसिडेंट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगा, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट किया, यहाँ पर एक दूसरे को कट किया है, मतलब ये हेड का इमेज पॉइंट होगा ए डैश, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बना दें ऊपर, ये मेरा बी डैश हो जाएगा, ये मेरा इसका पैर हो जाएगा बी डैश और ये ए डैश। ठीक है, दिखाई दे रहा है, अरे वाह दिखाई दे रहा है, देखिए फाइनली हम लोग बना दिए, और ये एरो ऐसा होगा। देखो समझ में आया कि नहीं आपको, हम लोग क्या किए, हम लोग को हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर पढ़ रहे हैं फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे है तो वहां से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर थोड़ा, तो वहां पे अगर हम रखे हैं, तो उस केस में देखो ना आप, एक रे ऑफ लाइट लिए हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम फोकस से पास करा दिया आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और एक हम फोकस से पास कराएं सच दैट वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गया, क्लियर है, क्लियर है, और जिस पॉइंट पे वो दोनों मीट किया है, सिंस ये दोनों रेज पॉइंट ए से आया है, इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे मीट करेगा वो पॉइंट ए का इमेज होगा, तो हम इसको ए डैश नाम दिए हैं। ठीक है, अब जब हम ए डैश से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो वो इसका टेल होगा, मतलब पैर होगा, इसको हम बी डैश नाम दिए, सच दैट ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। समझ में आया, तो चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, पहला, पहली बात कहां फॉर्म हुआ है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ,
याद रखिएगा, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। दूसरा, ये जो इमेज है वो रियल है कि वर्चुअल है? देखो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट किया है तो क्या होगा? रियल होगा। एंड आपको याद है हम बोलते हैं कि अगर रियल है आंख बंद करके बोल देना वो इन्वर्टेड होगा, और ये चीज हम आपको यहां दिखा सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा था, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो इमेज मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे है इमेज ऐसे है तो क्या हुआ? ऐसे था ऐसे हो गया, ऐसे था ऐसे हो गया, तो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, प्लीज इस बात को आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। एंड फाइनली साइज देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना छोटू हो गया, मतलब क्या हो गया? इमेज छोटा हो गया है, इमेज इज डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, एकदम पॉइंट साइज नहीं हुआ है पर कुछ हद से छोटा हो गया है। तो ये आप रे डायग्राम बना लीजिए एक बार, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट को फेस से मूव करते हैं। ओके तो चलिए बीबी हो गया, अब पार्ट सी पे मूव करते हैं। सी क्या बोला है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वो समझ में आया क्या हो रहा है? पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, फिर वो ऑब्जेक्ट धीरे 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 करके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आया, पर बियॉन्ड है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया। मतलब समझ में आ रहा क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल के तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल के तरफ मूव कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ओके चलिए फिर से हम लोग बनाते हैं रे डायग्राम, और प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। किस बात का ध्यान रखिएगा? कि ये मेरा अपार्चर जो होगा ए बी, अगर मुझे कॉनकेव बनाना है तो मुझे बल्जिंग सरफेस को पॉलिश करना पड़ेगा। बल्जिंग सरफेस को पॉलिश करने के बाद जब आप जिसका जियोमेट्रिक सेंटर लेके पोल बना दोगे तो ऑब्वियस बात है, सिंस ये इस तरफ कर्व्ड है तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ लाई करेगा। पर आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को, अगर आप जितना डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उतना ही डिस्टेंस पे आपका, उसका आधा डिस्टेंस पे आपका फोकल लेंथ होगा, प्रिंसिपल फोकस। आप दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी तो ये होगा प्रिंसिपल फोकस एफ, ठीक है। ये हो गया आपका, और ये आपका ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस है तो कुछ बोलने का बात ही नहीं है। पर ये बात का हम लोग को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पोल से जितना डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसका आधा डिस्टेंस पे पोल से फोकस होगा। क्यों? वो रिलेशन याद है ना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू आर बाई टू, तो क्यों माथा पीछे कर जाता हम लोग, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बिना कोई सोचे समझे हम ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं अच्छे बच्चे की तरह, जिसका हाइट 2 इंच है, हाइट 2 इंच रखे हैं हम, और इसको हम पी नाम देंगे, इसको क्यू नाम देंगे, पता है आपको क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को नाम देंगे ए बी, ये ए बी है, ठीक है। ओके अब फिर से वही कहानी दोहराया जाएगा। क्या कहानी है? कि मुझे इसका इमेज बनाना है तो हम इसका हेड से 2 रेज बनाएंगे। अब वो मेरा मर्जी हम कैसा बनाएं, मुझे पैरल बहुत पसंद है तो पहले हम पैरल बना लेते हैं। देखिए मेरा एकदम एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, प्लीज ध्यान दे, पहले आप देख लो एक बार देख लीजिए। अगर पैरेलल है ये फोकस से पास करेगा, ठीक है, इसको फोकस से पास करना है, चलिए फोकस से पास कराते हैं इसको। अरे भैया बन जा, अब बन गया, ये फोकस से पास करेगा, ठीक है, ये गया फोकस से, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये मेरा पहला इंसिडेंट रे था, ये उसका रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा तो वो फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रे क्या चूज करें हम फोकस से पास करा देते हैं। अगर हम फोकस से पास करा दें तो क्या होगा? अगर हम एग्जैक्टली फोकस तो पास नहीं हुआ, मेरा थोड़ा बहुत गलती हो सकता है ऊपर नीचे,
पर आप ध्यान दो, पहले ध्यान से करना कि अगर हम इसको फोकस से पास कराएं तो देखा जाता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये हो जाता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं रिफ्लेक्टेड है, सेकंड रिफ्लेक्टेड है। तो फाइनली ये दोनों यहां पे मीट किया, तो अगर ये जो ये दोनों रेस ए से शुरू हुआ था, मतलब जो पॉइंट पे मीट किया है वो है इमेज ऑफ द पॉइंट ए, इसको हम ए डैश नाम दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया मेरा, वो ये हुआ कि अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर बनाएं तो ये मेरा बी डैश हो रहा है, ठीक है ठीक है। और ये गलती है, क्या गलती है यहाँ पर, यहाँ पर गलती ये हुआ है मेरा कि मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पॉइंट पे नहीं फॉर्म हुआ है। रियलिटी में अगर हम लोग एकदम एक्यूरेटली बनाएं, सब कुछ ध्यान में रख के, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऑब्जेक्ट जहां पर होगा इमेज भी वहीं पे फॉर्म करेगा, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज भी वहीं पे फॉर्म करेगा। ये अगर ए है, अगर ये ए है और ये बी है, तो ए डैश और बी डैश भी एक ही जगह पे फॉर्म करेगा, ठीक है, बस इमेज इन्वर्टेड होगा, सेम साइज का होगा, ठीक है। तो हम गलती किए हैं, क्या गलती किए थे, अब पता नहीं क्या गलती किए थे, मेरा स्केलिंग बिल्कुल खराब है, सब कुछ खराब था, पर फिर भी हम आपको बस ये बताना चाहते थे कि अगर हम बस एक रे पैरेलल लें और फोकस से पास कराएं तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मीट होगा, वो ध्यान से कीजिएगा हो जाएगा, ठीक है ओके। तो फाइनली हम यहाँ पे चाहे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, देखिए आप ठीक से लिखो, पहला क्या है, पहला है ऑब्वियसली इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड एट सी इटसेल्फ, सी एट सी इटसेल्फ एट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, सिंस रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट किया है तो वो रियल होगा, एंड रियल है तो नोटिस करो ना आप, ऑब्जेक्ट ऐसा है इमेज ऐसा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है इमेज ऐसा है, मतलब उल्टा है, रियल है तो साथ साथ इन्वर्टेड होना तो कंपलसरी है ही, और जो चीज यहाँ पे विजिबल भी है, ऑब्जेक्ट ऐसा है इमेज ऐसा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। एंड फाइनली साइज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है ठीक है ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके चलिए नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट डी पे मूव करते हैं, जहां पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इज बिटवीन सी एंड एफ, मतलब इन्फिनिटी से आते 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 अब सी एंड एफ के बीच में आ गया है। एंड सिंस अब हम आपको बता चुके हैं कि ये डायग्राम कैसे बनाना है, तो हमने एक लेआउट पहले से बना के रखा है ताकि मेरा टाइम बच जाए, ठीक है ओके। देखिए अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है, इन बिटवीन कहीं पर, तो उस केस में अब क्या होगा, अब फिर से आपके पास दो ऑप्शन है, आप एक रे ऑफ लाइट बनाइए पैरेलल, और जो पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ है वो क्या होगा, वो फोकस से पास कर जाएगा। चलिए इसको हम लोग फोकस से पास कर देते हैं, ये गया मेरा फोकस से, ये गया फोकस से पास हो गया, बूम 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 बूम, ये मेरा फोकस से पास हो गया, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है ये वाला जो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले रहे हैं, सॉरी फोकस से पास करा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है फोकस के थ्रू वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है, ये हो गया। तो देखिए अब ये जो दो इंसिडेंट रे था, एक था पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक था फोकस से पास कराए हम,
इस केस में दोनों ही क्या हुआ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट किया यहां पर, तो एज इफ सिंस ये दोनों रेज ऑफ लाइट ए से निकला था तो इमेज ऑफ ए होगा, ए डैश नाम दिया है, और यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बना दें प्रिंसिपल एक्सिस पर तो जो पॉइंट मिलेगा मुझे ये होगा मेरा बी डैश, ये हो गया मेरा इमेज, पोजिशन ऑफ इमेज। समझ में आया, समझ में आया? हम लोग अभी तक बस वही चीज कर रहे हैं, हम लोग रेज ऑफ लाइट बना रहे हैं, सॉरी डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, दो रे ऑफ लाइट ले रहे हैं उसका हेड से पैरेलल और फोकस से, और बस इमेज जहां पे मीट कर रहा है उसको ए डैश बोल रहे हैं, वहां से परपेंडिकुलर बना के इमेज बनाती है बस और कुछ नहीं। तो इमेज कहां फॉर्म हुआ है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑफ कर्वेचर। दूसरा, इमेज इज ऑब्वियसली रियल, इमेज रियल ही है, रियल है एंड ऑब्वियसली रियल है, तो आपको इन्वर्टेड दिख रहा है, यहां पर इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, प्लीज याद रखिएगा जब भी इमेज रियल हो तो वो इन्वर्टेड होना ही पड़ेगा। तीसरा, साइज क्या है, ये इतना छोटा था इतना बड़ा हो गया, मतलब इमेज इज मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड। देखिए आपको ये रीड आएगा समझ में आया कि नहीं आया, और इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग केस ई करने वाले हैं जब ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस एफ, एफ समझ में आपको, और हमने आपको पहले ही बता दिया है कि हम लोग ये रे डायग्राम प्रेजेंटेशन कैसा होगा, हमने एक लेआउट पहले से बना के रखा है। कैसे, देखिए सबसे पहला बात हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से याद दिला दे आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट एकदम इंफिनिटी पे था, ठीक है, फिर पास में आया पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, उसको बोले बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दो केस। तीसरा केस में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, तीन हो गया, उसके बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आ गया, चार केस, चौथा केस। अब फाइनली फाइनल लेंस का एक और है, अभी एक और केस जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है, और यहाँ पे हमने एक लेआउट पहले से बना के रखा है, क्या किया हमने पहले से, एक कॉनकेव मिरर बना दिया है मैंने PQ, यहाँ बल्जिंग साइड को पॉलिश कर दिया है, अब उसके बाद हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बना दिया है। और इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि ओ भैया हमने तो पोल दिया ही नहीं है, जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर का फ्रॉम द पोल है जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसका आधा डिस्टेंस होगा पोल से फोकस तक का, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना बात। अब हम लोग चलिए इसका रे डायग्राम बना देते हैं। देखो भैया सबसे मजेदार चीज क्या है, सबसे पहला तो एक रे पैरेलल ले लो, जैसे ही आप एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लोगे क्या होगा, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो क्या होता है, वो फोकस से पास करता है। थैंक यू, ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगा ऐसे, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट फोकस से ऐसे पास कर जाएगा, सही है, सही है, ये क्लियर हो गया। पर अब नोटिस करो दूसरा रे क्या लेंगे हम लोग, अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक रे पैरेलल और दूसरा रे फोकस से पास कर देते थे हम, पर यहां पे नोटिस कीजिए यहां पे तो हम लोग ऑलरेडी फोकस पे खड़े हैं, तो अगर हम लोग फोकस पे खड़े हैं तो हम लोग फोकस से रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मेरे पास क्या ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचता है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, ठीक है, मतलब कि हम रे ऑफ लाइट ऐसे लें ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, ऐसा हो, मतलब ये मेरा इंसिडेंट लाइट है, ऐसा देखिए ऐसे है मेरा इंसिडेंट लाइट, ठीक है, जो एक्चुअली में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगा, ऐसे रिड्यूस कर लेगा अपना पास कर से, ठीक है, मतलब कि अगर हमने एक इंसिडेंट रे बनाया ये वाला
सच दैट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ अलाइन है, उस केस में वो पाथ रिफ्लेक्टेड रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। यही तो पढ़े हैं हम लोग ना कि अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो कि एज इफ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है या फिर अपीयर्स टू पास कर रहा है, उस केस में वो अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है और यहाँ पे आप प्लीज नोटिस कीजिएगा कि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है। दोनों ही ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये थोड़ा अलग केस है, इसलिए इसको ध्यान से देंगे हम लोग। जो रिफ्लेक्टेड रेज है दोनों पैरेलल है एंड पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम लोग जो फिजिक्स पढ़ेंगे ना, स्पेशली ऑप्टिक्स में जो रे डायग्राम पढ़ेंगे, ये चीज ध्यान बहुत जरूरी है कि पैरेलल रेज इन्फिनिटी से आता है एंड पैरेलल रेज इन्फिनिटी पे मीट करता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल रेज विल ऑलवेज मीट एट इन्फिनिटी, ठीक है, एंड पैरेलल रेज इन्फिनिटी से ही आता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और हमने इसको कैसे बनाया, हमने सिंपली पहले एक लाइन लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से पास किया, हम लोगों को पता था, पर दूसरा रे में माथापच्ची करना पड़ा। तो क्या किया हम लोग, हमने एक ऐसा इंसिडेंट रे बनाया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन के अलोंग है। तो अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा और ऐसे जाएगा सच दैट दोनों रेज पैरेलल होगा और ये पैरेलल रेज इंफिनिटी पे मीट करेगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, इमेज इज फॉर्म दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है, ये इंफिनिटी सिंपल है। नंबर टू, खुद ही नोटिस करो, ऑब्वियसली इमेज जो फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे एक्चुअली में मीट करेगा। अब जब एक्चुअली में मीट करेगा, इमेज इज रियल एंड हमेशा अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, कोई दो राय का बात नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। और साइज क्या होगा, साइज देखिए ना, इतना था, जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, विल बी हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज हैं, कब, जब ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल फोकस पे होगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज हाईली मैग्निफाइड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो चलिए इस पॉइंट को, इस केस को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फाइनली हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए लास्ट केस में पहुंच गए हैं। जी हाँ, ये हम लोग का एकदम लास्ट केस है, जो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड द पोल, ठीक है। और हमने यहां पर पहले से एक लेआउट देके रखा है, लेआउट देके रखा है मतलब हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया है, उसका पोल बना दिया है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया है, उसका फोकस बना दिया है एंड हमने एक ऑब्जेक्ट को भी प्लेस कर दिया है बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल एंड फोकस के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को भी प्लेस कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, ताकि टाइम बच जाए, ठीक है। ओके चलिए अब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो पहले क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग एक रे लेते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम लोग को क्या नियम पता है, कि हम लोग को ये नियम पता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलली आया है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास करेगा सर, एक सेकेंड और ठीक से ला दे, ये फोकस से पास करेगा सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए ये एक रे हो गया, पर इमेज बनाने के लिए मुझे मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रेस को मीट करना पड़ेगा,
मतलब दो इंसिडेंट रे चाहिए, एक और इंसिडेंट रे क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले, हम एक क्या कर सकते हैं, फोकस से पास कर सकते हैं, ऐसा रे ऑफ लाइट ले सकते हैं जो फोकस से पास कर रहा है, पर वो हम करा नहीं सकते हैं क्योंकि फोकस तो मेरे पीछे चला गया है, तो पॉसिबल है नहीं। हम एक रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करा दें वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फोकस तो पीछे रह गया। तो एक क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन वही है कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएं, मतलब कि एक ऐसा रे ऑफ लाइट लें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अराउंड हो। देखिएगा, हम ऐसा रे ऑफ लाइट ले रहे हैं जो ये पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्रेट लाइन में आ जा रहा है, ऐसा कुछ, मतलब ये मेरा इंसिडेंट रे है। अब सिंस ये अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये अपना पाथ वापस रिट्रेस कर लेगा, तो वापस ऐसे चला जाएगा। इसका मतलब इसको 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 और आगे बढ़ाएं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब नोटिस कीजिए ये दोनों पैरेलल नहीं है, ये दोनों डाइवर्जिंग रेज है, डाइवर्जिंग रेज है। एंड सिंस डाइवर्जिंग रेज, देखिए ना धीरे धीरे दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, एंड जो रेज डाइवर्जिंग होता है ना, जो रेज डाइवर्जिंग होता है वो लोग इंफिनिटी पे भी मीट नहीं करता। ये बात आप पॉइंट कर लो कि जो रेज पैरेलल होता है दे विल मीट एट इंफिनिटी, बट जो रेज डाइवर्जिंग होता है वो लोग इंफिनिटी पे भी मीट नहीं कर पाते हैं। फिर से बोल रहे हैं, जो रेज पैरेलल है वो इंफिनिटी पे मीट कर जाएगा, पर जो रेज डाइवर्जिंग है वो इंफिनिटी पे भी मीट नहीं करेगा भैया, विल नॉट मीट एट इंफिनिटी, विल नॉट इवन मीट एट इंफिनिटी, ठीक है ठीक है भैया। पर इमेज तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, रेस को इधर नहीं प्रोड्यूस करके बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। सही बोल रहे हो, चलो करो करो करो, रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, इसको बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करेंगे डॉटेड लाइन देंगे, ठीक है, और इसको भी प्रोड्यूस करो पीछे बैकवर्ड, और जब पीछे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग को एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जा रहा है। सिंस ये पॉइंट मेरा, ये पॉइंट जो मीट किया है वो कहां से आ रहा है, पॉइंट ए से आ रहा है, मतलब ये उसका हेड होगा। एंड अगर हम परपेंडिकुलर बना दे प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पर मीट करेगा वो होगा मेरा टेल, उसको बी नाम दे रहे हैं, और ये मेरा हेड है ए। तो फाइनली इमेज मिल गया, ठीक है। देखो एक रे पैरेलल लिया फोकस से पास कराया, और दूसरा मेरे पास एक ही ऑप्शन था सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराने के लिए। तो हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट ऐसे लिया ताकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका पॉइंट से पास करे। तो ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे जो है वो अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। तो जब रिट्रेस करेगा तो डाइवर्जिंग रेस होगा, डाइवर्जिंग रेस इंफिनिटी पे भी मीट नहीं करता है, तो क्या किया जाए, तो सामने को सामने मीट करा दो। और सिंस ये दोनों रेज पॉइंट ए से आ रहा है, ये होगा उसका हेड ए डैश, ये होगा बी डैश। तो फाइनली
है, ठीक है, चौथा पांचवा एट फोकस है, और फाइनली सिक्स्थ नंबर पे बिटवीन फोकस एंड पोल है। आपको क्या करना पड़ेगा फाइनली, आपको ये नोट कर लो, आपको इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो फाइनली आपको इसके लिए क्या करना है, आपको तीन केस याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, आप इसको नोट करो। एक और बताते हैं हम आपको, तो भैया भैया ये क्या बनाए हो, मुझे भी नहीं पता क्या बनाए हैं। हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टोटल सिक्स केसेस पढ़े हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे ना, आपको बस एक समरी दे रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे कि क्या हुआ था। ध्यान सुनना, बस ध्यान सुनो, अच्छा लगेगा बहुत, ठीक है। ये पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इस ऑब्जेक्ट को नाम ओ वन दिया है। दूसरा केस बी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस ऑब्जेक्ट को नाम ओ टू दिया है। केस सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ओ थ्री नाम दिया है। टी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वेल गुड, इसको ओ फोर नाम दिया है। नंबर फाइव केस, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर है, ठीक है। नंबर सिक्स केस, ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में है, और इस ऑब्जेक्ट को नाम ओ सिक्स दिया है। ये छह केसेस पॉसिबल है मेरे पास, ठीक है, और हम लोग चलिए शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है, ओके। ध्यान दीजिएगा, हमने ऑब्जेक्ट को सेम साइज का बनाया है, ठीक है, ताकि हम इमेज को डिफरेंट साइज रख के आपको बता सके कब साइज बड़ा है कब साइज छोटा है। ध्यान दीजिएगा, पहला केस था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएगा और पैरेलल रेज ऑफ लाइट फोकस पे आके मीट करेगा। मतलब ये पॉइंट सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट एफ है फोकस, ठीक है, ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फोकस पे फॉर्म होगा, एंड ऑब्वियसली पॉइंट साइज फॉर्म होगा, मतलब एकदम ऐसा छोटा बित्तू सा फॉर्म होगा, एकदम बच्चा वाला फॉर्म होगा ऐसा, एकदम ये इमेज आई वन बनेगा, इमेज एकदम छोटा होगा, पॉइंट साइज इमेज होगा एकदम, समझ में आया, दिखाई दे रहा है, अरे वाह दिखाई दे रहा है यार, दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आया। एंड ऑब्वियसली इन्वर्टेड होगा नीचे। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट जब थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर गया तो इमेज क्या होगा, तब इमेज ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा कहीं पर, मतलब ऐसे कहीं यहाँ पर कहीं बीच में आ जाएगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, कहीं पर बीच में आ जाएगा, मतलब ऐसे कहीं फॉर्म होगा यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट अब थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये रहा, ये इमेज मेरा आई टू बनेगा, क्या, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर, ठीक है, एंड ऑब्वियसली इन्वर्टेड है, ठीक है। एंड हम लोगों ने नोटिस किया कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हुआ है, एंड इमेज का जितना साइज है ऑब्जेक्ट का भी उतना ही साइज है, पर वो इन्वर्टेड है, ठीक है, चलो बढ़िया। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में चला गया तो इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रहा है, एंड इमेज बड़ा भी है, ये इमेज आई फोर, देखो नोटिस करो ना, जब ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है इमेज इतना बड़ा है, मजा आया, समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के तरफ आ रहा है इमेज फोकस से दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है, देखो ना ओ वन ओ टू ओ थ्री ओ फोर ओ फाइव, ये आई वन आई टू आई थ्री आई फोर, एंड जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे आ जा रहा है तो इमेज क्या फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा और हाईली मैग्निफाइड होगा, पर वो उस समय भी इन्वर्टेड होगा। वाओ कितना मजा आ रहा है, देखो डायग्राम देखकर समझ में आ रहा है, ये आई फाइव, ठीक है,
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस दोनों के लिए, ये केस स्पेशल है, पर ये केस ना स्पेशल है, एफ वाला केस थोड़ा स्पेशल है, इसलिए इसको हम दूसरा पेन से बना रहे हैं, ठीक है। पर जैसे ही आप फोकस और पोल के बीच में आ जाते हो, तब थोड़ा कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है? इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड ऑब्वियसली इमेज इज मैग्निफाइड, ठीक है। ये आई सिक्स है एंड ऑब्वियसली आप समझ जा रहे हो कि सिंस, ओहो एक चीज हम बताना भूल गया, दिखाई दे रहा है मेरा, ओह माय गॉड दिस लुक्स सो प्रिटी। इस केस में यहां से यहां तक जो ऑब्जेक्ट है, इस केस में जो इमेज है वो क्या है, इमेज फॉर्म कैसा है, इज रियल एंड इन्वर्टेड, इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एंड जब तक वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, साइज छोटा है, देखो ना इस केस में इमेज क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। कब तक? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पर जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम हो गया, ठीक है। एंड जैसे ही वो दूर गया, यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इस दोनों केस में मैग्निफाइड हो गया, मैग्निफाइड हो गया। इस डायग्राम को आप प्लीज, सेम साइज यहां पर, सेम साइज, सेम SIZE, सेम साइज, ठीक है। एंड ये जो केस था, जब आप इसके बीच में आ गए, तो इमेज क्या फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल एंड अपराइट, वर्चुअल एंड अपराइट, जो होना ही था, क्योंकि अगर वर्चुअल है तो अपराइट होगा। एंड वर्चुअल और अपराइट इमेज कैसा है, सिर्फ मैग्निफाइड है, सिर्फ मैग्निफाइड है, ठीक है। यहां से आपको देखो, समझ में आ रहा है, ओ माय गॉड क्या बना दिए हम भी यार, थैंक यू बोलो यार मेरे को आप लोग, ठीक है। तो फाइनली देखो कितना अच्छे से समझ में आ गया आपको, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे फॉर्म हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओ वन इमेज आई वन और छोटा साइज में है, जब वो और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मूव किया ओ टू, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, बिटवीन एफ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज अभी भी डिमिनिश्ड है और थोड़ा छोटा है, छोटा थोड़ा बड़ा हुआ। एंड जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचा, सेम साइज का हो गया, ठीक है। एंड जैसे ऑब्जेक्ट इधर आया, तो इमेज ऐसे दूर जा रहा है एंड धीरे धीरे मैग्निफाइड हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस के तरफ आ रहा है, इमेज फोकस से दूर जा रहा है एंड मैग्निफाइड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। एंड जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज इज मैग्निफाइड भी है, वर्चुअल एंड अपराइट भी है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। इस पिक्चर को आप अच्छे से बना लो और याद रख लो। ओह एक और चीज, फाइनली फाइनली खत्म करते हैं इसको, नोटिस कीजिए, यहां पर रियल इन्वर्टेड इमेज के साथ मैग्निफाइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, डिमिनिश्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है, सेम साइज भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। पर वर्चुअल एंड अपराइट के साथ सिर्फ मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन है वो ये है कि कॉनकेव मिरर कैन नॉट प्रोड्यूस, कैन नॉट प्रोड्यूस वर्चुअल एंड अपराइट इमेज दैट इज डिमिनिश्ड, दैट इज डिमिनिश्ड। ये कैसा वर्चुअल एंड अपराइट इमेज प्रोड्यूस किया, जो मैग्निफाइड है, पर डिमिनिश्ड वर्चुअल अपराइट इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जब जब रियल एंड इन्वर्टेड प्रोड्यूस हुआ है, तो डिमिनिश्ड भी प्रोड्यूस किया है, सेम साइज भी प्रोड्यूस किया है, मैग्निफाइड भी प्रोड्यूस किया है, और नहीं कुछ बाकी है यहां पर,
तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर में हमने आपको सब कुछ बता दिया है जितना था बताने के लिए, ठीक है? तो थोड़ा लेंदी बना होगा, ठीक है? ओके, तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।